हम पढ़ना चाहेंगे लूका की पुस्तक दूसरा अध्याय का, आप मत पढ़ो मैं आपके लिए पढ़ता हूं। लूका की पुस्तक दूसरा अध्याय का, ध्यान से सुनो, 9 से। प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। किसके लिए? हाँ, अब कुछ गलत फहमियां अगर आपके दिमाग में, तो आप निकाल दो कि एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु जन्म उत्सव ये सिर्फ ईसाई लोगों के लिए नहीं है। ये लाइट चालू कर दे, जो लाइट है यहां की चालू कर दे, ये हॉल की लाइट चालू कर दे प्लीज। अच्छा, आप मुझे देख सकते हैं ना? ठीक है, तो ऐसा लिखा है कि मैं तुम्हें बड़े आनंद का समाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। किसके लिए? सब लोगों के लिए। मेरे प्यारों, मैं आपसे एक बात दिल से कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह का जन्म लेना या उसका इस दुनिया में आना, ये किसी एक धर्म के लोगों के लिए नहीं था, ये असल में एक्चुअली सबके लिए था। मेडिकल किसके लिए होता है? मेडिकल, कभी आप मेडिकल में गए दवा लेने? वो किसके लिए? बोलो फटाफट, हाँ जो सच है वही बोलना। हॉस्पिटल किसके लिए है? सबके लिए है। अच्छा, सूरज जो है वो किसके लिए है? चांद किसके लिए है? अच्छा, सूरज है कितना? एक ही सूरज है, पर वो सबके लिए पक्का? ओके, तो एक सूरज सबके लिए, एक चांद सबके लिए, एक आसमान सबके लिए, एक धरती सबके लिए। वैसे ही परमेश्वर भी किसी एक के लिए नहीं है, वो सबके लिए। परमेश्वर किसके लिए है? बोलो, परमेश्वर सबके लिए है। और यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए और उन्होंने जो जन्म लिया, तो उन्होंने किसी एक विशेष जाति के लिए नहीं, लेकिन उन्होंने सबके लिए जन्म लिया। अच्छा, जन्म क्यों लिया और हम थोड़ा सा देखेंगे। मत्ती की पुस्तक पहला अध्याय का 21 में लिखा है कि एक कुवारी गर्भ, एक औरत जो जन्म लेगी, तो पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को पापों से छुड़ाएगा। एक भविष्यवाणी हुई कि एक बच्चा जो है वो जन्म लेगा एक कुवारी औरत के पेट से, और उस बच्चे का नाम यीशु रखना। क्या रखना? यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को पापों से छुड़ाएगा। अच्छा, ये अपने लोग का मतलब क्या हो गया? हम सब लोग किसके लोग हैं? बोलो परमेश्वर। किसके? हाँ, तो जितने भी मनुष्य दुनिया में हैं, हम सब किसके हैं? बोलो उसके हैं। बोलो बाजू लोग, मैं उसका हूं। तो ऐसा लिखा है कि वो अपने लोगों को पापों से छुड़ाएगा। किससे? पापों से छुड़ाएगा। अच्छा, अब और एक थोड़ा सा पढ़ेंगे और उसमें से कुछ बता के फिर हम खत्म करेंगे। मरकुस की पुस्तक 5वां अध्याय का 1 से 15। मरकुस की पुस्तक 5वां अध्याय का 1 से 15 मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, थोड़ा समय आप मुझे दीजिए बस। यीशु मसीह झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचा, और जब वह नाव से उतर रहा था, तो तुरंत एक मनुष्य जिसके अंदर अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उससे मिला। वह कब्रों में रहा करता था, कोई उसे सांकली से बांध नहीं सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकली को तोड़ देता था। पर उसने सांकलियों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों में रहा करता था, पहाड़ों में चिल्लाता था और खुद को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को देखकर
दूर से दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम। और आगे की स्टोरी ऐसी है कि यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को अच्छा किया, उसे कहा तेरा नाम क्या है, उसने कहा मेरा नाम सेना है। क्या कहा? सेना। सेना का मतलब है उस जमाने में एक सेना अगर बोलेंगे तो 6,000 सैनिकों का जो ग्रुप होता था उसको एक सेना बोलते थे। जैसे एक दर्जन कहेंगे तो कितना केला हो गया, 12, और एक ग्रुप बोलेंगे तो कितना हो गया, 144। तो एक सेना का मतलब है 6,000 सैनिक। अभी ध्यान से सुनिए, हमने आपको कहा कि यीशु मसीह जो आया उसका यह समाचार किसके लिए था, सबके लिए। और ऐसा लिखा है आगे कि उसने वो अपने लोगों को पापों से छुड़ाएगा। यीशु मसीह सिर्फ पापों से नहीं, वो श्रापों से, गरीबी से, बीमारी से, दुख से, मृत्यु से, हर चीज से वो छुड़ाता है। हालेलुया। आज इस दुनिया को अगर हम देखें तो 6 चीज में फंसी है, पाप में, श्राप में, गरीबी में, बीमारी में, दुख में और मृत्यु में। और परमेश्वर ये ताकत रखता है कि मनुष्य को इन चीजों से छुड़ाने की। हालेलुया। आपको खुशी होनी चाहिए, कोई तो है इस दुनिया में जो मुझे मेरे जिंदगी भर के सारे पाप से और मेरे दादा परदादा के श्राप से, मेरी गरीबी से, मेरी बीमारी से, मेरे दुख से, मेरे मुझे मृत्यु से भी वो मुझे छुड़ा सकता है, मुझे बचा सकता है। हालेलुया। अच्छा, और एक चीज हम ध्यान से देखेंगे। ऐसा लिखा है कि वो जो व्यक्ति था वो अपने आप को घायल करता था, वो बेड़ियों से, सांकलियों से जकड़ा हुआ था और कहां रहता था, कब्रस्तान में। ध्यान से सुनिए, कुछ बड़ी दिलचस्प बातें हैं। रहता कहां था, कब्रस्तान में, और बेड़ियों से वो उसको जकड़ा गया था, वो बंधन में था। और तीसरी चीज, वो अपने आप को घायल करता था और ऐसा लिखा है कि उसको कोई भी वश में। अच्छा, उस आदमी के अंदर क्या था, 6,000 भूत। बोलो 6,000। अब 6,000 भूत बोलो, चुड़ैल बोलो, राक्षस बोलो, पिशाच बोलो, 6,000 शैतान बोलो, जो बोलना आप सोच लो, 6,000 दुष्ट आत्माएं उसके अंदर थी। अभी ध्यान से सुनो, जिस व्यक्ति के अंदर अगर शैतान है तो कौन है जो उसको वश में कर सकता है? साधु, बाबा, महाराज, पंडित, ओझा, तांत्रिक? कोई नहीं। शैतान, दुष्ट आत्मा, चुड़ैल, पिशाच, राक्षस, ये ऐसी चीजें हैं जो मनुष्यों के जीवन में रहती हैं और काम करती हैं, और इनको अगर वश में करना है तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। कई लोगों के बेटी को भूत लगता है, बेटे को और कुछ लगता है तो बाबा के पास लेके जाते हैं। और यहां लिखा है उसको कोई वश में नहीं कर सकता था, तो किसने किया? यीशु ने। हालेलुया। जितने भी भूत और शैतान, चुड़ैल लोगों के जीवन में, परिवार में काम कर रहे हैं, उनको वश में अगर करवाना है तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। और फिर वो आदमी कहीं नहीं झुका, किसी के सामने नहीं झुका, कहां झुका? यीशु मसीह के सामने झुका और कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम। क्या कहा? हाँ, ये बोतल अभी आपको दिखाया ना, उसने क्या कहा, मुझे तुझसे क्या काम। अच्छा, तो शैतान को परमेश्वर से काम नहीं है तो उसको किससे काम है? बोलो, हमसे। हमसे मतलब मेरे से नहीं, तुमसे भी। एक तो सब लोग बड़े वहां से, वो सफेद कोट वाला है, उससे ही काम है। शैतान ने क्या कहा, मुझे, हे प्रभु, हे परमेश्वर, मुझे तुझसे कुछ काम नहीं है, मुझे तो इन मनुष्यों से काम है। किससे? किससे? इन मनुष्यों से काम है। अच्छा, ध्यान से सुनो आप, ये परमेश्वर है कौन? हाँ, ध्यान से सुनो, ये परमेश्वर है और ये कौन है? बोलो, हम। अरे जोर से बोलो ना, हम। एक कोई आ जाओ यार, 3 जन। ये कौन है? बोलो, कालिया। ये है शैतान। ध्यान से सुनो,
मैं आपको कोई जोक नहीं सुना रहा हूं, अभी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये शैतान है, ये हम लोग है, ये तीन जन आ जाओ जल्दी से, जल्दी से मैं फटाक से खत्म करूंगा ये बात बता के। तू काला कोट पहना, इधर आगे आ जाओ, ए इधर आओ, ध्यान से देखते रहिएगा। थोड़ी देर के लिए बुरा नहीं मानना, यह बहुत अच्छा इंसान है, शैतान नहीं है। अभी ये जो ये क्या बोल रहा है, किसको? परमेश्वर को बोल रहा है, मुझे तुझसे कुछ काम नहीं है, तुझसे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे तो इससे काम है, इससे लेना देना है, ये मेरे काम का है। अभी ध्यान से सुनो, परमेश्वर क्या बोलता है ना, मैं ए शैतान ए कालिया, मुझे तुझसे भी कुछ लेना देना नहीं, मुझे भी इससे ही काम है। ध्यान से सुनो, आपको हंसी आए कुछ भी आए, मैं आपको एक बात राज की बात बताना चाहता हूं। परमेश्वर जो है उसको शैतान से कुछ काम नहीं है, उसको मनुष्यों से ही काम है, और शैतान को भी परमेश्वर से कोई काम नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है, उसको भी मनुष्यों से लेना देना है। पिक्चर देखा आपने कभी? पिक्चर देखा? पिक्चर में क्या होता है कि हीरो एक डाकू, दोनों के बीच में कौन होती है? हीरोइन। हीरो को कौन चाहिए और डाकू को कौन चाहिए? हीरो क्या सोचता है, ये मेरी हो जाए, और डाकू सोचता है ये मेरी हो जाए, सही है ना? हाँ, तो परमेश्वर के राज में भी ऐसा ही है। ये हीरो है, ये परमेश्वर है, ये चाहता है मनुष्य मेरा हो जाए। किसका? मनुष्य मेरा हो जाए, मैं जो मनुष्य को कहूं तो मनुष्य मेरी बात सुने, मेरी राहों पे चले। शैतान क्या चाहता है कि मनुष्य मेरा हो जाए, मैं जो उसे करवाऊं वो करे, मैं जो उसे कहूं वो करे। हालेलुया। अब बीच में कौन है? इंसान। और इंसान तो इंसान इतना परेशान, अब वो भी एक इंसान था, उसके अंदर कितने भूत थे? 6000। अब वो बेचारा बंधन में था, अपने आप को वो घायल करता था, और वो कहां रहता था? कब्रस्तान में। ध्यान से सुनो, शैतान जो है वो चाहता है कि मनुष्य कब्रस्तान में रहे, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य मकान में रहे। शैतान चाहता है कि मनुष्य का जीवन बंधन में रहे, बेड़ियों से जकड़ा रहे, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य आजाद हो जाए। हालेलुया। शैतान चाहता है कि मनुष्य अपने आप को घायल करे, मनुष्य का जीवन जो है वह घायल रहे, घाव से भरा रहे, लेकिन परमेश्वर चाहता है मनुष्य चंगा हो जाए। हालेलुया। शैतान चाहता है मनुष्य का जीवन बर्बाद हो जाए, परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य का जीवन आबाद हो जाए। शैतान चाहता है कि मनुष्य हमेशा रोता रहे, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य हमेशा हंसता रहे। शैतान चाहता है कि मनुष्य हमेशा श्राप में डूबा रहे, श्रापित रहे, लेकिन परमेश्वर चाहता है मनुष्य आशीषित हो जाए। शैतान मनुष्य को मार डालना चाहता है कि मनुष्य को मार डालू, मनुष्य मर जाए, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य अच्छा जीवन जिए। आज कई लोगों का जीवन बंधन में है, तकलीफ में है, उनके जीवन में प्रॉब्लम है, उनके परिवार में प्रॉब्लम है, और उसका कारण लोग कई कई कारण बताते हैं। कोई औरत बोलती मेरा आदमी सब मुसीबत का जड़ है, आदमी बोलता है मेरी औरत सब मुसीबत की जड़ है। एक बात याद रखना, बच्चे रहो तो भी प्रॉब्लम, जवान हो जाओ तो भी प्रॉब्लम, कुंवारे रहो तो भी प्रॉब्लम, शादी हो जाए तो भी प्रॉब्लम, बच्चे ना हो तो भी प्रॉब्लम, बच्चे हो जाए तो भी प्रॉब्लम, नौकरी ना हो तो भी प्रॉब्लम, नौकरी मिले तो भी प्रॉब्लम, भाड़े पे रहो तो भी प्रॉब्लम, खुद का घर मिले तो भी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, तकलीफ ही तकलीफ इंसान के जीवन में है। जिंदगी भी क्या जिंदगी है, कहाँ कहाँ ले जाती है, जहां भी जाओ जिंदगी में वही मुसीबत चली आती है। किसी को दोष लगा के फायदा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जानो आज की रात वो कौन है जो आपको रुलाता है, वो कौन है जिसने आपकी रात की चैन की नींद छीन ली है, वो कौन है जिसने आपके अंदर चिंता निराशा डर बीमारी को और बर्बादी को भरा है।
वो शैतान है, परमेश्वर नहीं। हालेलुया। शैतान ने तो उस व्यक्ति को कब्रिस्तान में रखा था, लेकिन परमेश्वर जब आया तो अच्छा हो गया और वापस वो अपने मकान में जाके रहने लगा। और ध्यान से सुनो, ये आदमी जो कब्रिस्तान में रहता था उसको कोई शौक नहीं था। एक समय था वो मकान में रहता था, उसके अपने घर में खुशियां थी, लेकिन धीरे धीरे उसके जीवन में ऐसा होने लगा कि उसके अपनों ने उसे घर से बेघर कर दिया और बेचारा कब्रिस्तान में रहने लगा और घायल की जिंदगी जीने लगा। कई ऐसे लोग यहाँ पे बैठे होंगे जिनको उनके अपनों ने धोखा दिया है, उनके अपनों ने उन्हें छोड़ा है, उनके अपनों ने उन्हें रुलाया है। और कई तो ऐसे होंगे जिनको उनके पड़ोसियों ने तकलीफ दी होगी, और कोई ऐसे होंगे यहाँ पे जिनको उनके रिश्तेदारों ने तकलीफ दी होगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबके पीछे आज अगर मनुष्य परेशान है, बीमार है, दुखी है, सफलता नहीं है, बंधन में है, वो घायल है ना, डर में जी रहा है, निराशा में जी रहा है, चिंता में जी रहा है, तो किस्मत का खेल नहीं है, वो शैतान है। क्या कौन है वो? शैतान है। यह आदमी भी जब कब्रिस्तान में था वो ऐसा सोचता होगा, क्या करे, मेरी किस्मत भी फूटी है, ऊपर वाले ने लिख दिया कि तू कब्रिस्तान में रहेगा, ऊपर वाले ने लिख दिया कि तू बंधन में रहेगा, ऊपर वाले ने लिख दिया कि तू घायल रहेगा, अपना माथा पटकता रहेगा। लेकिन फिर अच्छा है ना परमेश्वर, जो कब्रिस्तान से मकान में भेज देता है, बंधन से आजादी में ले आता है। हालेलुया, हालेलुया। कई लोगों को जब जीवन में उनके दिल में दर्द होता है, दुख होता है, तो वो इंसान से बोलते हैं। और एक बात बोलूं, अगर आपके दिल में कभी भी कोई भी दुख है, तकलीफ है ना, तो उसे बोलो जिसने आपको दिल दिया, वो परमेश्वर है। अगर रोना ही है, आपको रोना ही है, तो किसी के सामने मत रो, उसके सामने रो जिसने आपको आंखें दी है। अगर हाथ फैलाना है तो किसी के सामने मत फैलाओ, उसके सामने फैलाओ जिसने आपको हाथ दिया है। हालेलुया। कई लोग ज्योति साधु बाबा महाराज के सामने हाथ फैलाते हैं, अरे उनको क्या हाथ दिखाते हो? वो कहते हैं तकदीर से पहले, समय से पहले कुछ नहीं होता, फिर उनके पास जाने का क्या फायदा। इसलिए मैं लोगों को सिखाता हूँ, अगर हाथ दिखाना है ना, उसे दिखाओ जिसने यह हाथ दिया है। दिल की बातें बोलना है, दिल का दर्द बताना है, तो उसे बताओ जिसने दिल दिया है। अगर आंखों से रोना है तो उसके सामने रो जिसने आंखें दी है। अगर झुकना है तो उसके सामने झुको जिसने तुम्हें पैर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। मैं मेरा संदेश समाप्त कर रहा हूं, मैं छोटी सी दुआ करूंगा इस समय। आप में से यहां कई ऐसे लोग हैं जो काफी समय दर्द से या बीमारी से आप परेशान हैं, या कहीं आपका पैसा अटका है, किसी का तो घर का काम अधूरा रह गया है, और कोई तो अपनों से बहुत परेशान है, उनके घरों में शांति नहीं है। मैं आज आपको एक 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 है ना कहना चाहता हूँ, अगर आज यीशु अगर आपके दिल में आ जाता है, तो आज से ही आपकी आज़ादी और आपका आरोग्य और आपकी आशीष की शुरुआत हो जाएगी। कहते हैं खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। आज जो आप मुझे देख रहे हो, पहले ऐसा नहीं था। मैं विस्की ब्रांडी पीने वाला, सिगरेट पीने वाला, झूठ बोलने वाला, चोरी करने वाला, बाप को मारने वाला, भाई को मारने वाला, पूरी एरिया में एक नंबर का बदमाश मवाली, और 7-8 साल झाड़ू मारा, टॉयलेट साफ किया, कचरा उठाया, 4 साल टेम्पो चलाया, हमारी मताड़ीगिरी का काम किया है। आज आप मुझे ऐसे देख रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति के कारण, वो है मेरा यीशु। देखिए अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि मैं टेम्पो चलाया, 7-8 साल झाड़ू मारा, टॉयलेट साफ किया, कचरा उठाया। आपको लगता है अभी नहीं लगेगा, क्योंकि रूप बदल गया है। क्योंकि जब मैं झाड़ू मार रहा था तो आप थे नहीं ना, तो इसके लिए आपको पता नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सब कुछ सारी है ना, ये सब कुछ यीशु मसीह की वजह से आज मैं ये हूँ। अगर आज कोई है जिसके दिल में यीशु नहीं है, आप चाहते हो कि यीशु, क्योंकि यीशु जब दिल में आता है तो क्या होता है, ध्यान से सुनिए, दिल में अपने जो यीशु मसीह को एक बार बसा लेता है, दिल में जो अपने यीशु मसीह को एक बार बसा देता है, वो धरती पर रहकर भी बार बार जन्नत का मजा लेता है। हालेलुया। कोई है, मैं एक ज्यादा नहीं, एक ही मिनट लूंगा। कोई है जो चाहता है कि आज आपके जीवन में यीशु आए और सारी बेड़ियां, सारी बीमारियां, सारे कर्जे, सारी परेशानियां आपके जीवन से चली जाए, कोई अगर है ऐसा चाहता है, तो आप मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं, अपने हाथों को उठा सकते हैं बैठे बैठे।
मतलब आप सब लोग बंधन में हैं, आप सब लोग घायल हैं और आप लगता है अभी भी कब्रिस्तान में ही हैं, लेकिन आज के बाद मकान में जाएंगे, भाड़े के नहीं खुद के। हालेलुया। ऐसे हाथ को उठा के रखो और आंखें बंद करो, मेरे साथ दुआ करो, कहो प्रभु यीशु, दिल से कहना प्रभु यीशु, आज मैंने आपके बारे में सुना और जाना कि आप इस दुनिया में आए मुझे पापों से छुड़ाने के लिए, मेरे बंधनों को तोड़ने के लिए, मेरे घाव को चंगा करने के लिए। यीशु मसीह, मैं ये कबूल करता हूँ कि मैं पापी हूँ, और यीशु मसीह आप मेरे पापों के लिए लहू बहाए, अपनी जान दी। यीशु मुझ पापी के ऊपर दया कर, आज मैं पश्चाताप करता हूँ मेरे जीवन के सारे पापों को, बचपन से लेकर अभी तक जो भी मैंने किया है कबूल करता हूँ, पश्चाताप करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। यीशु मसीह मुझे माफ कर दो, आपके लहू से मुझे धो दो, शुद्ध कर दो। यीशु मसीह आज मैंने आपको मेरा तारणहारा, मेरा मुक्तिदाता जानकर मानकर मेरे हृदय में, मेरी आत्मा में ग्रहण करता और मेरा जीवन आपको देता। आज से तू मुझे चंगा कर, तू छुटकारा दे, तू मुझे आशीष दे, तू मेरे कामों को सफल कर, तू मुझे भय से बचा। यीशु के नाम में प्रार्थना, आमेन। हालेलुया।